you, Mumbai. Hi. मुंबई के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि जब तक यहाँ समंदर है तब तक दो चीजें पक्की मिलती रहेंगी सर. क्या? सिनेमा के अंदर स्मगलर, बाहर स्ट्रगलर. बिल्कुल. लेकिन स्मगलर आजकल खत्म हो गया या प्रोड्यूसर बन गए हैं, लेकिन स्ट्रगलर अभी भी हैं. तो सर आज बात करते हैं स्ट्रगलर की. हाँ. जैसे कई पंजाब से आते हैं, वो सबसे पहले आते पंजाबी धर्म जी के बंगले पे जाता है. हाँ. जैसे मैं गया था, जैसे गेट खुला, और क्या है बच्चे, ठीक है? मैं कहा सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं तो हैंडसम हूँ, तू सुना. तो एक अर्चना जैसी खूबसूरत लेडी, उनकी फैन, धर्म जी पहले मेरे को जाना है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. देखिए मेरा बेटा बिल्कुल शक्ल आप पर है, हंसता भी आप जैसे, बोलता भी आप जैसे, बिल्कुल देखिए तो प्लीज आप जैसा लग रहा है. पहले कन्फ्यूजन दूर कीजिए, आप मेरी फैन है या जाम लगा रही है. इतने में सनी भाई आए, मगर भाजी मैं आपका भी बड़ा फैन हूँ, देखो नरसिम्हा फिल्म देखकर डोले पे शेर भी बनाया है. लेकिन ये तो बिल्ली लग रही है. मगर भाजी आपका इतना बड़ा डोला, मेरी डोली बिल्ली लगेगी? मैं क्या एक बात और पूछनी है भाजी, आपका हाथ सच में 2.5 किलो का? अरे परेशान हो गया मैं, 2.5 किलो 2.5 किलो सुन के. एक फिल्म में क्या बोल दिया, परेशान कर दिया. आज सुबह सब्जी वाला पूछ रहा था, भाजी क्या करे, मैं क्या जिम जा रहा हूँ, कह तकड़ी पे हाथ होगा, टिंडे तोड़ना, 2.5 किलो का बट्टा भूल गया. तो धर्म जी के बंगले के पीछे जुहू बीच है, और वहां मेरे जैसे कई स्ट्रगलर वहां चले जाते हैं, उनको कोई बता देता है यहाँ ना पुराने प्रोड्यूसर डायरेक्टर घूमते हैं जॉगिंग करते हैं, तो वहां पर स्ट्रगलर परेशान करते हैं उनको. तो जब मैंने देखा कुलभूषण साहब कबाल बात ही कर रहे हैं, तो स्ट्रगलर आके, क्या है भाई क्यों परेशान कर रहे हो? सर हम एक्टर हैं, स्ट्रगलर थोड़ा मदद, देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुद एक्टर हूं. लेकिन मैंने देखा कई हम्बल हीरो होते हैं, जैसे अन्ना सॉफ्ट स्पोकन, उनको कैसे इरिटेट कर देते हैं फैन. एक दिन मैंने देखा एयरपोर्ट पे अन्ना बैठे, तो इधर से फैन आ गया, सर हाय हुकू हाय सर, आपके बहुत बड़े फैन है सर, मोहरा हमें बेमिसाल टक्कर सब देखी है. थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू. आप लोगों के फैन की वजह से ही हम लोगों का वजूद है. थैंक यू सर, एक फोटो, आइए आइए आइए, थैंक यू. हाँ अभी आधा घंटा फ्लाइट लेट थी, फैन भी वही, अन्ना भी वही, फिर आ गए. आपका भी फ्लाइट लेट है सर. बढ़िया सर, एक बात पूछना था सर, होटल वेटल भी आपका? हाँ है सर. अक्षय सनी सब आपको जानते होंगे? हाँ सब दोस्त हैं बेटा. अच्छा उनका नंबर मिल सकता है व्हाट्सएप वाला सर? ओह माय गॉड, यस यस यस. ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता. सर मेरे मोबाइल में अच्छी फोटो नहीं, आप महंगा वाला आप खींचिए ना. ओह माय गॉड. उन्होंने बॉय को बोला, परशु कौन है, भगा इसको यार. तो अन्ना गए बाथरूम में, वहां भी आ गया अन्ना खड़े. क्या यार बहुत मुश्किल है सेलिब्रिटी बनना. साथ में वो फोन लेके खड़ा है. क्या कर रहे हो? बात कमी दिया. नहीं सर आप कीजिए सर, यहीं तक आ रहा है. थप्पड़ मारूं मैं बप्पा. डिलीट डिलीट करो फोटो. नहीं सर डिलीट नहीं, आप फेसबुक पे लाइव हैं. अच्छा अच्छा लड़का, इसको फॉलो कीजिए. कहते हैं अर्चना जी कीड़ा नहीं मरता फिल्मी, मरने के बाद भी नहीं मरता. बिल्कुल. तो मुझे लगा जो हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं फिल्म स्टार, वो एक दिन के लिए अपना कीड़ा निकालने, भी कैसी हमारी मुंबई नगरी, तो क्या माहौल होगा. सब फिल्मों की रीमेक बन रही है, धड़कन फिल्म की रीमेक बन रही थी. तो ओम प्रकाश को लगा मुझे रोमांटिक हीरो बनना, सुनील शेट्टी में घुस गए. अब अक्षय कुमार, देव किसने कहा तुमसे कि अंजलि तुमसे प्यार नहीं करती? देव इतनी मोहब्बत करते हमसे, मुझसे क्या पूछती हो अंजलि, अपनी धड़कन से पूछो. कौन साला मरता है, कौन साला मरता है? और अगर मर भी गया अंजलि तो मैं जाकर धड़कूंगा तुम्हारे सीने में. मैं तुम्हें भूल जाऊं यो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ, मैं उन्हें नहीं दूंगा. इधर दिलवाले की रीमेक हो रही है, अजय देवगन में जगदीप साहब घुस गए. अरे वाह, हमें तो अपरो ले लूटा, खैर हो बे कहा था. अरे मेरी किश्ती वहां डूबी. अरे प्रेशर
साले मेरी सपना बांजी से दूर रह बनना मैं तेरे को डंडा कर दूंगा। अपने सरदर्द को संभाल के रखना बाबा ठाकुर, ये तुम्हारा डंडा झंडा अजंडा अजंडा झंडा लुड़ाने के काम आएगा। हाँ जी जी, हाँ जी जी। घातक गिरी में खोरी है, डैनी साहब में प्राण घुस गए, सनी साहब में संजीव कुमार। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, और तुम्हें भी ये जानकर खुशी होगी। क्या से तुम मेरे गिरह में काम करोगे बरखुरदार? ये मजदूर गाते गाते लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। तू क्या चाहता मैं तेरा कुत्ता बन के रहा हूँ? तू कहे तो काटू, तू कहे तो भागू। अभी कुछ आत्माएं हमारे लाफ्टर के सेट पे आ गई। अच्छा, दारा सिंह जी ने रोशल को देखा, अगर इस हिंदी में एंकरिंग हो सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। इनमें आत्मा आ गई दारा सिंह की। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रोशल राव लाफ्टर का चूरमा खाएंगे, देसी को का चूरमा। दूध में नींबू डालो तो उसे फाड़ना कहते हैं। शेखर, जिस तरह से तुम मुझे घूरते हो, ताड़ना कहते हैं। अब मैं करेगी कॉमेडी का मस्ती। अर्चना तुम भी यहाँ हो, मैं भी जाऊँ, हो जाए फिर कुश्ती। अभी आ रहे हैं लुधियाना से पंजाब का हट्टी कट्टी। हिंदी की माँ बहन मत कर, वहां जाके बैठ जाओ लुकी पट्टी। तो अर्चना जी के पीछे आ गए केस्टर मुखर्जी। अर्चना जी आप क्या कहना चाहेगा? जसवान माइंड ब्लोइंग, जसवान तुमने जो हमको हंसा है, मैं यही कहूंगी बहुत अच्छे। जसवान तुम मेरे लिए कॉमेडी की हीरो गुलाब हो। और मैं लास्ट में नहीं बोला पसंद ली, जसवान तुम लाफ्टर की हीरो गुलाब हो। क्या बात है, क्या बात है जसवंत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत कमाल के तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एंड वी आर रियली प्राउड टू हैव यू जसवंत। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनमेंट। थैंक यू। आज जो तुमने किया है वो मिमिक्री ही नहीं, वो कॉमेडी ही नहीं, आपकी एक्ट में दिखाई देता है सेंस ऑफ स्टोरी, सेंस ऑफ स्क्रीन प्ले, सेंस ऑफ ड्रामा, और हर स्ट्रगलर की कहानी आज आपने अपनी स्क्रीन प्ले में दिखाई है। हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया है, आपने लाइफ की ट्रेजेडी, स्ट्रगलर्स की ट्रेजेडी से जो कॉमेडी निकाली है उसके लिए सल्यूट। जसवंत, आप वाकई में कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की बहुत बड़ी तोप हो। तो Congratulations, Jaswant!